जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला, मुझे ऐसा बंदा बना ये लोग मेरे मेरे आका अलैहि सलाम के सलाम प्यारे के प्यारे दीवानों, दीवानों एक एक हदीस हदीस पाक पाक जो जो याद याद आती आती है है उसका उसका मफहूम मफहूम मैं मैं आपके आपके सामने सामने पेश पेश कर कर रहा रहा हूं, हूं, कुछ कुछ उसकी उसकी शराहत शराहत और और उसकी उसकी शराह शराह के के साथ। साथ एक एक जवान जवान था, था, अल्लाह अल्लाह के के रसूल रसूल अलैहि अलैहि सलाम सलाम की की बारगाह बारगाह में में वो वो आया आया और और आने आने के के बाद बाद उसने उसने कहा कहा कि कि या या रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह, मुझसे मुझसे एक एक गुनाह गुनाह हो हो गया गया है, है, यानी यानी मैंने मैंने जिना जिना किया किया है है और और आप आप मुझ मुझ पे पे हद हद लगाएं, लगाएं, क्योंकि क्योंकि इस्लाम इस्लाम का का जो जो कानून कानून है, है, अगर अगर कोई कोई शादीशुदा शादीशुदा जिना जिना करे करे तो तो उसको उसको पत्थर पत्थर मारे मारे जाते जाते हैं, हैं, पत्थर पत्थर उस उस पे पे बरसाए बरसाए जाते जाते हैं। हैं। तो तो उसने उसने कहा कहा या या रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह, मुझसे मुझसे जिना जिना हो हो गया गया है है और और मैं मैं चाहता चाहता हूं हूं कि कि आप आप मुझ मुझ पे पे हद हद लगाएं लगाएं और और मुझे मुझे पाक पाक कर कर दे, दे, क्योंकि क्योंकि कानून कानून ये ये है है कि कि अगर अगर किसी किसी पे पे हद हद लगेगी लगेगी तो तो उम्मीद उम्मीद है है कि कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कयामत कयामत के के दिन दिन अल्लाह अल्लाह उस उस गुनाह गुनाह के के बारे बारे में में उससे उससे सवाल सवाल नहीं नहीं पूछेगा, पूछेगा, उससे उससे सवाल सवाल नहीं नहीं होगा। होगा। तो तो आकाए आकाए करीम करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम फरमाते फरमाते हैं, हैं, तूने तूने जिना जिना नहीं नहीं किया किया होगा। होगा। जरा जरा तवज्जो तवज्जो करें, करें, सैयदुल सैयदुल मासूमीन मासूमीन का का अंदाज अंदाज गुनहगारों गुनहगारों के के साथ साथ क्या क्या है? है? वो वो आकर आकर के के खुद खुद कहता कहता है है मैंने मैंने जिना जिना किया किया है, है, और और आका आका अलैहि अलैहि सलाम सलाम फरमाते फरमाते हैं हैं तूने तूने जिना जिना नहीं नहीं किया किया होगा, होगा, सिर्फ सिर्फ तूने तूने बोसो बोसो किनार किनार कर कर लिया लिया होगा, होगा, चल चल जा जा यहाँ यहाँ से से जा जा जा। जा। उसने उसने कहा कहा नहीं नहीं यार यार रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह, मैंने मैंने जिना जिना ही ही किया किया है। है। सरकार सरकार फरमाते फरमाते हैं हैं अपने अपने सहाबा सहाबा से से कहीं कहीं ये ये शराब शराब के के नशे नशे में में गलत गलत बातें बातें तो तो नहीं नहीं पक पक रहा रहा है, है, इसका इसका मुंह मुंह सूंघो। सूंघो। तो तो लोगों लोगों ने ने मुंह मुंह सूंघा, सूंघा, कहीं कहीं नहीं नहीं यार यार रसूल रसूल अल्लाह, अल्लाह, ये ये शराब शराब के के नशे नशे में में नहीं नहीं है, है, फिर फिर उसने उसने कहा कहा हुजूर हुजूर मैंने मैंने जिना जिना किया किया है। है। आका आका फरमाते फरमाते हैं हैं कि कि इस इस पे पे पागलपन पागलपन का का दौरा दौरा तो तो नहीं नहीं पड़ता पड़ता है है कि कि ये ये पागलपन पागलपन के के दौरे दौरे की की वजह वजह से से ये ये अपने अपने आप आप को को जानी जानी कह कह रहा रहा है। है। देखो देखो सैयदुल सैयदुल मासूमीन मासूमीन जिसकी जिसकी नजर नजर से से खुदा खुदा की की जात जात ना ना छुपी, छुपी, वो वो गुनेगारों गुनेगारों के के साथ साथ कैसे कैसे हुस्ने हुस्ने जन जन की की दावत दावत दे दे रहे रहे हैं? हैं? वो वो इकरार इकरार किए किए जा जा रहे रहे हैं हैं कि कि मैंने मैंने जिना जिना किया किया है, है, और और हुजूर हुजूर उस उस पर पर पर्दे पर्दे पे पे पर्दे पर्दे डालते डालते जा जा रहे रहे हैं। हैं। जब जब चार चार बार बार उसने उसने इकरार इकरार कर कर लिया लिया तो तो फिर फिर मेरे मेरे रसूल रसूल का का पांचवा पांचवा फरमान फरमान ये ये था, था, ए ए अल्लाह अल्लाह के के बंदे, बंदे, ठीक ठीक है है तूने तूने जिना जिना कर कर लिया लिया था था लेकिन लेकिन अल्लाह अल्लाह ने ने छुपा छुपा दिया दिया था था तो तो छुपा छुपा रहने रहने देता, देता, तूने तूने बोला बोला क्यों? क्यों? तुझे तुझे बोलना बोलना नहीं नहीं चाहिए चाहिए था। था। इसका इसका मतलब मतलब ये ये है है कि कि अगर अगर गुनाह गुनाह हो हो जाए जाए और और अल्लाह अल्लाह पर्दा पर्दा डाल डाल दे दे तो तो तौबा तौबा कर कर लेना लेना चाहिए, चाहिए, चुपचाप चुपचाप बताना बताना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। यहाँ यहाँ तो तो हाल हाल ये ये है है कि कि दोस्तों दोस्तों में में शेयर शेयर करते करते हैं हैं कि कि मैंने मैंने ये ये किया, किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह। गुनाह गुनाह का का ऐलान ऐलान भी भी गुनाह गुनाह है, है, गुनाह गुनाह का का इजहार इजहार भी भी गुनाह गुनाह है। है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे भी भी पारसा पारसा लोग लोग मेरे मेरे समाज समाज में में रहते रहते हैं हैं जो जो कहते कहते हैं हैं आज आज फजर फजर की की नमाज नमाज मुझसे मुझसे छूट छूट गई। गई। अरे अरे छूट छूट गई गई थी थी तो तो पढ़ पढ़ लेता लेता था, था, ऐलान ऐलान करके करके उसको उसको आपने आपने दुबाला दुबाला क्यों क्यों कर कर दिया दिया गुनाह? गुनाह? गुनाह गुनाह का का ऐलान ऐलान भी भी गुनाह गुनाह है। है। आप आप ये ये समझ समझ करके करके लोगों लोगों को को कहते कहते हैं हैं कि कि मैं मैं फजर फजर का का आदी आदी हूं हूं और और आज आज छूट छूट गई गई है, है, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। है। ये ये सब सब बातें बातें न न किया किया करें करें समाज समाज में। में। गुनाह गुनाह का का इजहार इजहार भी भी गुनाह गुनाह है, है, गुनाह गुनाह का का ऐलान ऐलान भी भी गुनाह गुनाह है। है। तो तो आपने आपने फरमाया फरमाया था था जब जब अल्लाह अल्लाह ने ने पर्दे पर्दे डाल डाल दिए दिए तो तो पर्दा पर्दा पड़ा पड़ा रहने रहने देता, देता, तूने तूने क्यों क्यों ऐसा ऐसा किया? किया? अब अब बहरहाल बहरहाल तूने तूने जब जब इकरार इकरार कर कर ही ही लिया लिया है, है, सरकार सरकार ने ने फरमाया फरमाया ले ले जाओ जाओ इसे, इसे, तवज्जो तवज्जो करें, करें, ले ले जाओ जाओ इसे इसे और और इस इस पे पे पत्थर पत्थर बरसाओ, बरसाओ, संग संग सार सार कर कर दो दो इसको। इसको। सहाबा सहाबा ले ले के के उसको उसको उस उस जवान जवान को को पत्थर पत्थर मारने मारने लगे। लगे। जब जब पत्थर पत्थर मारने मारने लगे लगे उसको उसको तो तो अल्लाह अल्लाह के के हबीब हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम के के सहाबा सहाबा संग संग सार सार करके करके आए आए तो तो आने आने के के बाद बाद हुजूर हुजूर अलैहि अलैहि सलाम सलाम ने ने देखा देखा कि कि एक एक सहाबी सहाबी के के दामन दामन पर पर खून खून के के कुछ कुछ कतरे कतरे हैं, हैं, कुछ कुछ कतरे कतरे खून खून के के लगे लगे हुए हुए हैं। हैं। तो तो सरकार सरकार ने ने देखकर देखकर जान जान गए, गए, सरकार सरकार पहचान पहचान गए गए कि कि ये ये उसी उसी के के खून खून के के कतरे कतरे जिस जिस शख्स शख्स ने ने जिना जिना किया किया था था और और फिर फिर उसने उसने तौबा तौबा की, की, उसे उसे संसार संसार किया किया गया। गया। और और सरकार सरकार ने ने उनसे उनसे पूछ पूछ लिया लिया वो वो मेरे मेरे फलां फलां का का क्या? क्या? मैं मैं उस उस शख्स शख्स का का नाम नाम नहीं नहीं
سرکار فرماتے ہیں ارے بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا. کیا محبت ہے گنہگاروں سے, کیا پیار ہے گنہگار, بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا. نہیں یار رسول اللہ, ہم نے اس کو مار دیا, وہ مر گیا, انتقال ہو گیا اس کا. پھر اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے تھے, انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر. ایک صاحب کہتے ہیں غصے میں اور جلال میں آ کے اللہ کی لعنت ہو اس پر. ابھی قرآن نازل ہوتا ہے, نبیوں کا امام زمین پر ظاہری حیات میں موجود ہے اور وہ زنا کرتا ہے. سرکار نے یہ جملے سنے تو سرکار علیہ السلام جلال میں آ گئے, فرمایا تم اس پہ لعنت کر رہے ہو, اس نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو جنت. تم اس پہ لعنت کرتے ہو, تم اس پہ لعنت کرتے ہو. دیکھو حضور علیہ السلام نے گناہ نہ دیکھا, حضور نے توبہ کا, توبہ کی کیا بات ہے, کہا اس کی تو اس نے وہ توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ تقسیم ہو جائے, اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے مدینے والوں پر تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت عطا فرما دے. یہ ہے توبہ. آئیے ہم سب بھی پکا ارادہ کریں, پکا عہد کریں. سرکار غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں اور میرے غوث نے تو فرمایا جو میرے ہیں میں ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. سرکار غوث پاک فرماتے جو میرے ہیں میں ان کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. اور خدا کی قسم غوث پاک کا ماننے والا بغیر توبہ کے مر بھی کیسے سکتا ہے, اور اگر مرتے ہوئے بھی توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو ساری زندگی کہتا رہا میں غوث پاک کا ہوں, میں غوث پاک کا ہوں. غوث پاک کا ہوتا تو توبہ کی توفیق ملتی, لیکن اگر توبہ کی توفیق نہیں تو کیا معاذ اللہ یہ کہ غوث پاک سے اس کا تعلق نہ تھا, اور پھر ان لوگوں کا تعلق غوث پاک سے کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں کو نماز کے لیے ٹائم نہیں, جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے اذان سے پہلے اٹھ کر کے نکل جاتے ہیں, چلو اذان ہوگی تو نمازی آئیں گے, غوث پاک کے نزدیک تو بے نمازی ہو کر انسان اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا, وہ اپنی نسبتیں غوث پاک سے کیا ثابت کر سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سچی توبہ کی طرف آؤ, اچھی توبہ